नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको राग मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्य के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्तों को पसंद आया। धन्यवाद। राग, राग अंग्रेजी एशेज, आदित्य भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसमें आमिर खान और सुप्रिया पाठक ने पंकज कपूर, गजानन बंगेरा और जगदीप के साथ मुख्य भूमिकाएं निभाई। निर्देशक आदित्य भट्टाचार्य द्वारा लिखित आदित्य भट्टाचार्य, नुजहत खान द्वारा उत्पादित आसिफ नूर, संगीत शिवन आदित्य भट्टाचार्य, अभिनीत आमिर खान, सुप्रिया पाठक, पंकज कपूर, छायांकन संतोष शिवान द्वारा संपादित ए श्रीकर प्रसाद, संगीतिया है स्कोर राजू सिंह। रिलीज की तारीख 21 अप्रैल 1989। कार्यकारी समय 124 मिनट। देश इंडिया। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस ₹1.5 करोड़। 2020 में ₹14 करोड़ या $1.8 मिलियन के बराबर। कयामत से कयामत तक के बाद यह फिल्म आमिर की पहली फिल्म थी और इसे काफ़ी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और बाद में 1989 में 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले और पिछले कुछ वर्षों में इसका काफ़ी अनुसरण किया गया। इस फिल्म ने प्रसिद्ध छायाकार संतोष शिवन और फिल्म संपादक ए श्रीकर प्रसाद का बॉलीवुड डेब्यू भी बना। भूखल जैसा कि उद्घाटन दृश्य के शीर्षक में घोषित किया गया है, फिल्म की घटनाएं भारत के एक बड़े शहर में होती हैं। 1990 के पुलिस दंगों के बाद राज्य बलों को भंग कर दिया गया और उनकी जगह एक केंद्रीय बल ले लिया गया। पुलिस के पास अब और शक्तियां थीं। अपराध की दर लगातार बढ़ती जा रही थी। शहर के अमीर इलाकों में हालांकि जीवन चल रहा था, लेकिन यह एक असहज शांति थी। आमिर खान अभी 21 साल के हुए थे। वह एक अमीर परिवार से हैं। उनके अन्यथा सांसारिक जीवन का एकमात्र रंग नीता के प्रति उनका जुनून था, जो एक बड़ी अधिक व्यवहारिक महिला है जो उसे पसंद करती है, लेकिन अपने भविष्य के लिए अपनी योजनाओं को साझा नहीं करती है। एक रात एक पार्टी से वापस जाते समय नीता को
एक स्थानीय क्राइम बॉस हसन करमाली द्वारा छेड़छाड़ की जाती है और आमिर हिंसक रूप से हस्तक्षेप करता है। अपनी कार में घर वापस जाते समय उन्हें करमाली और उसकी गुंडों ने रोक लिया और करमाली ने नीता के साथ बलात्कार किया, जिसमें आमिर असहाय होकर देख रहे थे। आमिर के लिए अज्ञात एक ऑफ ड्यूटी पुलिस अधिकारी इस घटना का एक मूक गवाह है। नपुंसक क्रोध और अन्याय की भावना से त्रस्त आमिर को रिहाई की तलाश करनी पड़ी। वह घर छोड़ देता है। वह सब इंस्पेक्टर कपूर की ओर मुड़ता है। मूक गवाह कपूर घटना से अनजान होने का नाटक करते हुए आमिर की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि उनकी दोनों पर नाचने के बावजूद कपूर करमाली और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थता से नफरत करते हैं। वर्षों पहले कपूर ने करमाली कबीले को लिया था, एक नासमझी भरा कदम जिसने उनके करियर को लगभग नष्ट कर दिया। आमिर को अब लगता है कि उनका एक दोस्त है। एक दिन तक सच्चाई का एहसास होने पर वह बिखर जाता है। इसके तुरंत बाद करमाली द्वारा फेंकी गई पार्टी में अपने वरिष्ठों के सामने नियंत्रण खो देने के बाद एसआई कपूर को निलंबित कर दिया जाता है और उन्हें गोली मारने की कोशिश की जाती है। उसका जीवन नीचे की ओर सर्पिल होने लगता है जब अकेले भयभीत नौकरी के बिना खोने के लिए कुछ भी नहीं। वह आमिर में अपने अंधेरे अनसुलझे सपनों को पूरा करने का साधन देखता है जो अब तक जुनून का रूप ले चुका है। साथ में वे अपने आम दुश्मन खूंखार करमाली परिवार के सदस्य को ख़त्म करने के लिए तैयार हो गए। कड़वे सिपाही कपूर मासूम लेकिन निडर आमिर के लिए एक काला गुरु बन जाता है। आमिर की ज़िंदगी में आए बदलावों से अनजान नीता ने अपने अतीत को पीछे छोड़ने का फैसला किया है। वह अपने जीवन को फिर से संगठित करने के लिए धीरे धीरे लेकिन दर्द से शुरू होती है। इस बीच आमिर भयानक सिंह के गंबर में फिसल जाता है, निश्चित कयामत की राह। जबकि वह पहली हत्या करता है, आमिर को अपराध बोध से लगभग पागल कर देता है। धीरे धीरे से इसकी आदत हो जाती है और यहाँ तक कि उसका आनंद भी लेने लगता है। उनका युद्ध बिना किसी विजेता के युद्ध है। एक ऐसी लड़ाई जिसकी कोई महिमा नहीं है। तार्किक जीवन के झूठ के बीच कभी कभी पागलपन में नियंत्रित होने में ही सच्चाई होती है। अंत में कपूर और आमिर अपनी बहन की शादी में करमाली की ओर को घेर लेते हैं। जैसे ही कपूर करमाली को गोली मारता है, उसके वरिष्ठ पूर्व सहयोगी ने उसकी गोली मार कर हत्या कर दी। कपूर की बाहों में मरने के बाद आमिर अपनी बंदूक उठाता है और माना जाता है कि वह वरिष्ठ पूर्व को गोली मार देता है। आखिरी दृश्य एक बार फिर से शुरुआती अनुक्रम में लौटता है, जहाँ आमिर मौत की सजा पर अपने छोटे और मानवीय जीवन की घटनाओं पर विचार करता है। ढालना आमिर खान, आमिर हुसैन, सुप्रिया पाठक नीता, पंकज कपूर इंस्पेक्टर पी के,
जगदीप उस्तादी गजानन बंगेरा इंस्पेक्टर नैना पलसावर नैना होमी बाड़िया हसन करमाली मधुकर तोराडमल करमाली सेठ कर्मीदल कला निर्देशन पार्थो सेनगुप्ता फिर से रिलीज इस फिल्म को भारत में सिनेमाघरों में 12 जून 2009 को 20 साल बाद डिजिटली रीमास्टर प्रिंट के साथ फिल्म निर्माताओं द्वारा पलाडोर पिक्चर्स के साथ फिर से रिलीज किया जाना था। इसके बाद अगस्त 2009 में डीवीडी का विमोचन किया जाना था। निर्धारित पुनर्विमोचन अंततः कुछ अज्ञात कारणों से नहीं हुआ, जाहिर तौर पर क्योंकि यह इस अवधि के दौरान निर्माता मल्टीप्लेक्स मालिक गतिरोध के दौरान गिर गया था। पुरस्कार 36वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज कपूर, स्पेशल मेंशन फीचर फिल्म आमिर खान, सर्वश्रेष्ठ संपादन ए श्रीकर प्रसाद, 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कार मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आमिर खान, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज कपूर, सर्वश्रेष्ठ कहानी आदित्य भट्टाचार्य। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको राख मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्य के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्तों को पसंद आया। धन्यवाद। राख, राख अंग्रेजी एशेज आदित्य भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसमें आमिर खान और सुप्रिया पाठक ने पंकज कपूर गजानन बंगेरा और जगदीप के साथ मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। निर्देशक आदित्य भट्टाचार्य द्वारा लिखित आदित्य भट्टाचार्य, नुजात खान द्वारा उत्पादित आसिफ नूर, संगीत शिवन आदित्य भट्टाचार्य, अभिनीत आमिर खान, सुप्रिया पाठक, पंकज कपूर, छायांकन संतोष शिवान द्वारा संपादित ए श्रीकर प्रसाद, संगीत यह है स्कोर राजू सिंह। रिलीज की तारीख 21 अप्रैल 1989, कार्यकारी समय 124 मिनट, देश इंडिया, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस ₹1.5 करोड़, 2020 में ₹14 करोड़ या $1.8 मिलियन के बराबर। कयामत से कयामत तक के बाद यह फिल्म आमिर की पहली फिल्म थी और इसे काफ़ी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और बाद में 1989 में
3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले और पिछले कुछ वर्षों में इसका काफ़ी अनुसरण किया गया। इस फिल्म ने प्रसिद्ध छायाकार संतोष सिवन और फिल्म संपादक ई श्रीका प्रसाद का बॉलीवुड डेब्यू भी बना। भूखल जैसा कि उद्घाटन जैसे कि शीर्षक में घोषित किया गया है, फिल्म की घटनाएं भारत के एक बड़े शहर में होती हैं। 1990 के पुलिस दंगों के बाद राज्य बलों को भंग कर दिया गया और उनकी जगह एक केंद्रीय बल ले लिया गया। पुलिस के पास अब और शक्तियाँ थीं। अपराध की दर लगातार बढ़ती जा रही थी शहर के अमीर इलाकों में। हालांकि जीवन चल रहा था, लेकिन यह एक असहज शांति थी। आमिर खान अभी 21 साल के हुए थे। वह एक अमीर परिवार से हैं। उनके अन्यथा सांसारिक जीवन का एकमात्र रंग नीता के प्रति उनका जुनून था, जो एक बड़ी अधिक व्यवहारिक महिला है जो उसे पसंद करती है, लेकिन अपने भविष्य के लिए अपनी योजनाओं को साझा नहीं करती है। एक रात एक पार्टी से वापस जाते समय नीता को एक स्थानीय क्राइम बॉस हसन करमानी द्वारा छेड़छाड़ की जाती है और आमिर हिंसक रूप से हस्तक्षेप करता है। अपनी कार में घर वापस जाते समय उन्हें करमाली और उसकी गुंडों ने रोक लिया और करमाली ने नीता के साथ बलात्कार किया, जिसमें आमिर असहाय होकर देख रहे थे। आमिर के लिए अज्ञात एक ऑफ ड्यूटी पुलिस अधिकारी इस घटना का एक मूक गवाह है। नपुंसक क्रोध और अन्याय की भावना से त्रस्त आमिर को रिहाई की तलाश करनी पड़ी। वह घर छोड़ देता है। वह सब इंस्पेक्टर कपूर की ओर मुड़ता है। मूक गवाह कपूर घटना से अनजान होने का नाटक करते हुए आमिर की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि उनकी दोनों पर नाचने के बावजूद कपूर करमाली और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थता से नफरत करते हैं। वर्षों पहले कपूर ने करमाली कबीले को लिया था एक नासमझी भरा कदम, जिसने उनके करियर को लगभग नष्ट कर दिया। आमिर को अब लगता है कि उनका एक दोस्त है। एक दिन तक सच्चाई का एहसास होने पर वह बिखर जाता है। इसके तुरंत बाद करमाली द्वारा फेंकी गई पार्टी में अपने वरिष्ठों के सामने नियंत्रण खो देने के बाद एसआई कपूर को निलंबित कर दिया जाता है और उन्हें गोली मारने की कोशिश की जाती है। उसका जीवन नीचे की ओर सर्पिल होने लगता है, जब अकेले भयभीत नौकरी के बिना खोने के लिए कुछ भी नहीं। वह आमिर में अपने अंधेरे अनसुलझे सपनों को पूरा करने का साधन देखता है, जो अब तक जुनून का रूप ले चुका है। साथ में वे अपने आम दुश्मन खूंखार करमाली परिवार के सदस्यों को खत्म करने के लिए तैयार हो गए। कड़वे सिपाही कपूर मासूम लेकिन निडर आमिर के लिए एक काला गुरु बन जाता है। आमिर की ज़िंदगी में आए बदलावों से अनजान नीता ने
अपने अतीत को पीछे छोड़ने का फैसला किया है। वह अपने जीवन को फिर से संगठित करने के लिए धीरे धीरे लेकिन दर्द से शुरू होती है। इस बीच आमिर भयानक सिंह के गंबर में फिसल जाता है, निश्चित कयामत की राह। जबकि वह पहली हत्या करता है, आमिर को अपराध बोध से लगभग पागल कर देता है। धीरे धीरे से इसकी आदत हो जाती है और यहाँ तक कि उसका आनंद भी लेने लगता है। उनका युद्ध बिना किसी विजेता के युद्ध है। एक ऐसी लड़ाई जिसकी कोई महिमा नहीं है। तार्किक जीवन के झूठ के बीच कभी कभी पागलपन में नियंत्रक होने में ही सच्चाई होती है। अंत में कपूर और आमिर अपनी बहन की शादी में करमाल की ओर को घेर लेते हैं। जैसे ही कपूर करमाली को गोली मारता है, उसके वरिष्ठ पूर्व सहयोगी ने उसकी गोली मार कर हत्या कर दी। कपूर की बाहों में मरने के बाद आमिर अपनी बंदूक उठाता है। माना जाता है कि वह वरिष्ठ पूर्व को गोली मार देता है। आखिरी दृश्य एक बार फिर से शुरुआती अनुक्रम में लौटता है, जहां आमिर मौत की सजा पर अपने छोटे और मानवीय जीवन की घटनाओं पर विचार करता है। ढालना, आमिर खान, आमिर हुसैन, सुप्रिया पाठक, नीता, पंकज कपूर, इंस्पेक्टर पीके, जगदीप, उस्तादी, गजानन बंगेरा, इंस्पेक्टर नैना पलसावर, नैना होमी बाड़िया, हसन करमाली, मधुकर तोराडमल, करमाली सेठ, कर्मी दल, कला निर्देशन पार्थो सेनगुप्ता। फिर से रिलीज इस फिल्म को भारत में सिनेमाघरों में 12 जून 2009 को 20 साल बाद डिजिटली रिमास्टर प्रिंट के साथ फिल्म निर्माताओं द्वारा पलाडोर पिक्चर्स के साथ फिर से रिलीज किया जाना था। इसके बाद अगस्त 2009 में डीवीडी का विमोचन किया जाना था। निर्धारित पुनर्विमोचन अंततः कुछ अज्ञात कारणों से नहीं हुआ, जाहिर तौर पर क्योंकि यह इस अवधि के दौरान ही निर्माता मल्टीप्लेक्स मालिक गतिरोध के दौरान गिर गया था। पुरस्कार 36वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज कपूर, स्पेशल मेंशन फीचर फिल्म आमिर खान। सर्वश्रेष्ठ संपादन ए श्रीकर प्रसाद, 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कार मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आमिर खान, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज कपूर, सर्वश्रेष्ठ कहानी आदित्य भट्टाचार्य। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको राख मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्य के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आया। धन्यवाद। राख
बिजी एसेज आदित्य भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसमें आमिर खान और सुप्रिया पाठक ने पंकज कपूर, गजानन बंगेरा और जगदीप के साथ मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। निर्देशक आदित्य भट्टाचार्य द्वारा लिखित आदित्य भट्टाचार्य निजात खान द्वारा उत्पादित आसिफ नूर संगीत शिवम आदित्य भट्टाचार्य अभिनीत आमिर खान सुप्रिया पाठक पंकज कपूर छायांकन संतोष शिवान द्वारा संपादित ए शिलकर प्रसाद संगीत दिया है इसको राजू सिंह रिलीज की तारीख 21 अप्रैल 1989 कार्यकारी समय 124 मिनट देश इंडिया भाषा हिंदी बॉक्स ऑफिस ₹1.5 करोड़ 2020 में ₹14 करोड़ या $1.8 मिलियन के बराबर। कयामत से कयामत तक के बाद यह फिल्म आमिर की पहली फिल्म थी और इसे काफ़ी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और बाद में 1989 में 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले और पिछले कुछ वर्षों में इसका काफ़ी अनुसरण किया गया। इस फिल्म ने प्रसिद्ध छायाकार संतोष शिवन और फिल्म संपादक ई श्रीकर प्रसाद का बॉलीवुड डेब्यू भी बना। भूखंड जैसा कि उद्घाटन जैसे कि शीर्षक में घोषित किया गया है, फिल्म की घटनाएं भारत के एक बड़े शहर में होती हैं। 1990 के पुलिस दंगों के बाद राज्य बलों को भंग कर दिया गया और उनकी जगह एक केंद्रीय बल ले लिया गया। पुलिस के पास अब और शक्तियाँ थीं। अपराध की दर लगातार बढ़ती जा रही थी। शहर के अमीर इलाकों में हालांकि जीवन चल रहा था, लेकिन यह एक असहज शांति थी। आमिर खान अभी 21 साल के हुए थे। वह एक अमीर परिवार से हैं। उनके अन्यथा सांसारिक जीवन का एकमात्र रंग नीता के प्रति उनका जुनून था, जो एक बड़ी अधिक व्यवहारिक महिला है जो उसे पसंद करती है, लेकिन अपने भविष्य के लिए अपनी योजनाओं को साझा नहीं करती है। एक रात एक पार्टी से वापस जाते समय नीता को एक स्थानीय क्राइम बॉस हसन करमानी द्वारा छेड़छाड़ की जाती है और आमिर हिंसक रूप से हस्तक्षेप करता है। अपनी कार में घर वापस जाते समय उन्हें करमाली और उसकी गुंडों ने रोक लिया और करमाली ने नीता के साथ बलात्कार किया, जिसमें आमिर असहाय होकर देख रहे थे। आमिर के लिए अज्ञात एक ऑफ ड्यूटी पुलिस अधिकारी इस घटना का एक मूक गवाह है। नपुंसक क्रोध और अन्याय की भावना से त्रस्त आमिर को रिहाई की तलाश करनी पड़ी। वह घर छोड़ देता है
वह सब इंस्पेक्टर कपूर की ओर मुड़ता है। मुंह कपूर घटना से अनजान होने का नाटक करते हुए आमिर की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि उनकी दोनों पर नाचने के बावजूद कपूर करमाली और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थता से नफरत करते हैं। वर्षों पहले कपूर ने करमाली कबीले को लिया था एक नासमझी भरा कदम जिसने उनके करियर को लगभग नष्ट कर दिया। आमिर को अब लगता है कि उनका एक दोस्त है। एक दिन तक सच्चाई का एहसास होने पर वह बिखर जाता है। इसके तुरंत बाद करमाली द्वारा फेंकी गई पार्टी में अपने वरिष्ठों के सामने नियंत्रण खो देने के बाद एसआई कपूर को निलंबित कर दिया जाता है और उन्हें गोली मारने की कोशिश की जाती है। उसका जीवन नीचे की ओर सर्पिल होने लगता है जब अकेले भयभीत नौकरी के बिना खोने के लिए कुछ भी नहीं। वह आमिर में अपने अंधेरे अनसुलझे सपनों को पूरा करने का साधन देखता है जो अब तक जुनून का रूप ले चुका है। साथ में वे अपने आम दुश्मन खूंखार करमाली परिवार के सदस्यों को खत्म करने के लिए तैयार हो गए। कड़वे सिपाही कपूर मासूम लेकिन निडर आमिर के लिए एक काला गुरु बन जाता है। आमिर की जिंदगी में आए बदलावों से अनजान नीता ने अपने अतीत को पीछे छोड़ने का फैसला किया है। वह अपने जीवन को फिर से संगठित करने के लिए धीरे धीरे लेकिन दर्द से शुरू होती है। इस बीच आमिर भयानक सिंह के गंबर में फिसल जाता है निश्चित कयामत की राह, जबकि वह पहली हत्या करता है। आमिर को अपराध बोध से लगभग पागल कर देता है। धीरे धीरे से इसकी आदत हो जाती है और यहाँ तक कि उसका आनंद भी लेने लगता है। उनका युद्ध बिना किसी विजेता के युद्ध है। एक ऐसी लड़ाई जिसकी कोई महिमा नहीं है। तार्किक जीवन के झूठ के बीच कभी कभी पागलपन में नियंत्रण खोने में ही सच्चाई होती है। अंत में कपूर और आमिर अपनी बहन की शादी में करमाली की ओर को घेर लेते हैं। जैसे ही कपूर करमाली को गोली मारता है उसके वरिष्ठ पुरुष सहयोगी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। कपूर की बाहों में मरने के बाद आमिर अपनी बंदूक उठाता है। माना जाता है कि वह वरिष्ठ लड़ाई को गोली मार देता है। आखिरी दृश्य एक बार फिर से शुरुआती अनुक्रम में लौटता है जहाँ आमिर मौत की सजा पर अपने छोटे और मार्मिक जीवन की घटनाओं पर विचार करता है। ढालना आमिर खान, आमिर हुसैन, सुप्रिया पाठक, नीता, पंकज कपूर, इंस्पेक्टर पीके, जगदीप उस्तादी, गजानन बंगेरा इंस्पेक्टर, नैना पलसावर नैना, होमी बाड़िया, हसन करमाली, मधुकर तोराडमल, करमाली सेठ, कर्मीदल कला निर्देशन पार्थो सेनगुप्ता। फिर से रिलीज इस फिल्म को भारत में सिनेमाघरों में 12 जून 2009 को 20 साल बाद डिजिटली रिमास्टर प्रिंट के साथ फिल्म निर्माताओं द्वारा पलाडोर पिक्चर्स के साथ फिर से रिलीज किया जाना था। इसके बाद अगस्त 2009 में डीवीडी का विमोचन किया जाना था। निर्धारित पुनर्विमोचन अंततः मुख
कुछ अज्ञात कारणों से नहीं हुआ जाहिर तौर पर, क्योंकि यह इस अवधि के दौरान एक निर्माता मल्टीप्लेक्स मालिक गतिरोध के दौरान गिर गया था। पुरस्कार 36वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज कपूर, स्पेशल मेंशन फीचर फिल्म आमिर खान। सर्वश्रेष्ठ संपादन ए श्रीकर प्रसाद, 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कार मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आमिर खान, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज कपूर, सर्वश्रेष्ठ कहानी आदित्य भट्टाचार्य। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको राग मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्य के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्तों को पसंद आया। धन्यवाद। राग, राग अंग्रेजी एशेज, आदित्य भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसमें आमिर खान और सुप्रिया पाठक ने पंकज कपूर, गजानन बंगेरा और जगदीप के साथ मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। निर्देशक आदित्य भट्टाचार्य द्वारा लिखित आदित्य भट्टाचार्य, नुजात खान द्वारा उत्पादित आसिफ नूर, संगीत शिवन आदित्य भट्टाचार्य, अभिनीत आमिर खान, सुप्रिया पाठक, पंकज कपूर, छायांकन संतोष शिवान द्वारा संपादित ए श्रीकर प्रसाद, संगीतिया है स्कोर राजू सिंह। रिलीज की तारीख 21 अप्रैल 1989। कार्यकारी समय 124 मिनट। देश इंडिया। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस रुपये 1.5 करोड़, 2020 में रुपये 14 करोड़ या US डॉलर 1.8 मिलियन के बराबर। कयामत से कयामत तक के बाद यह फिल्म आमिर की पहली फिल्म थी और इसे काफ़ी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और बाद में 1989 में 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले और पिछले कुछ वर्षों में इसका काफ़ी अनुसरण किया गया। इस फिल्म ने प्रसिद्ध छायाकार संतोष शिवन और फिल्म संपादक ए श्रीकर प्रसाद का बॉलीवुड डेब्यू भी बना। भूखंड, जैसा कि उद्घाटन दृश्य के शीर्षक में घोषित किया गया है, फिल्म की घटनाएं भारत के एक बड़े शहर में होती है। 1990 के पुलिस दंगों के बाद राज्य बलों को भंग कर दिया गया और उनकी जगह एक केंद्रीय बल ले लिया गया। पुलिस के पास अब और शक्तियाँ थीं। अपराध की दर
लगातार बढ़ती जा रही थी। शहर के अमीर इलाकों में हालांकि जीवन चल रहा था, लेकिन यह एक असहज शांति थी। आमिर खान अभी 21 साल के हुए थे। वह एक अमीर परिवार से हैं। उनके अन्यथा सांसारिक जीवन का एकमात्र रंग नीता के प्रति उनका जुनून था, जो एक बड़ी अधिक व्यवहारिक महिला है जो उसे पसंद करती है, लेकिन अपने भविष्य के लिए अपनी योजनाओं को साझा नहीं करती है। एक रात एक पार्टी से वापस जाते समय नीता को एक स्थानीय क्राइम बॉस हसन करमानी द्वारा छेड़छाड़ की जाती है और आमिर हिंसक रूप से हस्तक्षेप करता है। अपनी कार में घर वापस जाते समय उन्हें करमाली और उसकी गुंडों ने रोक लिया और करमाली ने नीता के साथ बलात्कार किया, जिसमें आमिर असहाय होकर देख रहे थे। आमिर के लिए अज्ञात एक ऑफ ड्यूटी पुलिस अधिकारी इस घटना का एक मूक गवाह है। नपुंसक क्रोध और अन्याय की भावना से त्रस्त आमिर को रिहाई की तलाश करनी पड़ी। वह घर छोड़ देता है। वह सब इंस्पेक्टर कपूर की ओर मुड़ता है। मूक गवाह कपूर घटना से अनजान होने का नाटक करते हुए आमिर की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि उनकी दोनों पर नाचने के बावजूद कपूर करमाली और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थता से नफरत करते हैं। वर्षों पहले कपूर ने करमाली कबीले को लिया था, एक नासमझी भरा कदम जिसने उनके करियर को लगभग नष्ट कर दिया। आमिर को अब लगता है कि उनका एक दोस्त है। एक दिन तक सच्चाई का एहसास होने पर वह बिखर जाता है। इसके तुरंत बाद करमाली द्वारा फेंकी गई पार्टी में अपने वरिष्ठों के सामने नियंत्रण खो देने के बाद एसआई कपूर को निलंबित कर दिया जाता है और उन्हें गोली मारने की कोशिश की जाती है। उसका जीवन नीचे की ओर सर्पिल होने लगता है, जब अकेले भयभीत नौकरी के बिना खोने के लिए कुछ भी नहीं। वह आमिर में अपने अंधेरे अनसुलझे सपनों को पूरा करने का साधन देखता है, जो अब तक जुनून का रूप ले चुका है। साथ में वे अपने आम दुश्मन खूंखार करमाली परिवार के सदस्य को ख़त्म करने के लिए तैयार हो गए। कड़वे सिपाही कपूर मासूम लेकिन निडर आमिर के लिए एक काला गुरु बन जाता है। आमिर की ज़िंदगी में आए बदलावों से अनजान नीता ने अपने अतीत को पीछे छोड़ने का फैसला किया है। वह अपने जीवन को फिर से संगठित करने के लिए धीरे धीरे लेकिन दर्द से शुरू होती है। इस बीच आमिर भयानक सिंह के वंबर में फिसल जाता है, निश्चित कयामत की राह। जबकि वह पहली हत्या करता है, आमिर को अपराध बोध से लगवा पागल कर देता है। धीरे धीरे से इसकी आदत हो जाती है और यहाँ तक कि उसका आनंद भी लेने लगता है। उनका युद्ध बिना किसी विजेता के युद्ध है। एक ऐसी लड़ाई जिसकी कोई महिमा नहीं है।
तार्किक जीवन के झूठ के बीच कभी कभी पागलपन में नियंत्रक होने में ही सच्चाई होती है। अंत में कपूर और आमिर अपनी बहन की शादी में करमल की ओर को घेर लेते हैं। जैसे ही कपूर करमाली को गोली मारता है, उसके घनिष्ठ पूर्व सहयोगी ने उसकी गोली मार कर हत्या कर दी। कपूर की बाहों में मरने के बाद आमिर अपनी बंदूक उठाता है और माना जाता है कि वह घनिष्ठ परिवार को गोली मार देता है। आखिरी दृश्य एक बार फिर से शुरुआती अनुक्रम में लौटता है, जहां आमिर मौत की सजा पर अपने छोटे और मानवीय जीवन की घटनाओं पर विचार करता है। ढालना, आमिर खान, आमिर हुसैन, सुप्रिया पाठक, नीता, पंकज कपूर, इंस्पेक्टर पीके, जगदीप, उस्तादी, गजानन बंगेरा, इंस्पेक्टर नैना पलसावर, नैना होमी बाड़िया, हसन करमाली, मधुकर तोराडमल, करमाली सेठ, कर्मीदल, कला निर्देशन पार्थो सेनगुप्ता। फिर से रिलीज इस फिल्म को भारत में सिनेमाघरों में 12 जून 2009 को 20 साल बाद डिजिटली रीमास्टर प्रिंट के साथ फिल्म निर्माताओं द्वारा पलाडोर पिक्चर्स के साथ फिर से रिलीज किया जाना था। इसके बाद अगस्त 2009 में डीवीडी का विमोचन किया जाना था। निर्धारित पुनर्विमोचन अंततः कुछ अज्ञात कारणों से नहीं हुआ, जाहिर तौर पर क्योंकि यह इस अवधि के दौरान निर्माता मल्टीप्लेक्स मालिक गतिरोध के दौरान गिर गया था। पुरस्कार 36वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज कपूर, स्पेशल मेंशन फीचर फिल्म आमिर खान। सर्वश्रेष्ठ संपादन ए श्रीकर प्रसाद, 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कार मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आमिर खान, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज कपूर, सर्वश्रेष्ठ कहानी आदित्य भट्टाचार्य। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको राख मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्य के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्तों को पसंद आया। धन्यवाद। राख, राख अंग्रेजी एशेज, आदित्य भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसमें आमिर खान और सुप्रिया पाठक ने पंकज कपूर, गजानन बंगेरा और जगदीप के साथ मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। निर्देशक आदित्य भट्टाचार्य द्वारा लिखित आदित्य भट्टाचार्य, नुजहत खान द्वारा उत्पादित आसिफ नूर, संगीत शिवम आदित्य भट्टाचार्य, अभिनीत आमिर खान, सुप्रिया पाठक, पंकज कपूर,
छायांकन संतोष शिवान द्वारा संपादित ए शिलकर प्रसाद, संगीत दिया है स्कोर राजू सिंह। रिलीज की तारीख 21 अप्रैल 1989। कार्यकारी समय 124 मिनट। देश इंडिया। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस ₹1.5 करोड़। 2020 में ₹14 करोड़ या $1.8 मिलियन के बराबर। कयामत से कयामत तक के बाद यह फिल्म आमिर की पहली फिल्म थी और इसे काफ़ी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और बाद में 1989 में 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। और पिछले कुछ वर्षों में इसका काफ़ी अनुसरण किया गया। इस फिल्म ने प्रसिद्ध छायाकार संतोष शिवन और फिल्म संपादक ए शिलकर प्रसाद का बॉलीवुड डेब्यू भी बना। भूखंड जैसा कि उद्घाटन दृश्य के शीर्षक में घोषित किया गया है, फिल्म की घटनाएं भारत के एक बड़े शहर में होती हैं। 1990 के पुलिस दंगों के बाद राज्य बलों को भंग कर दिया गया और उनकी जगह एक केंद्रीय बल ले लिया गया। पुलिस के पास अब और शक्तियाँ थी। अपराध की दर लगातार बढ़ती जा रही थी। शहर के अमीर इलाकों में हालांकि जीवन चल रहा था, लेकिन यह एक असहज शांति थी। आमिर खान अभी 21 साल के हुए थे। वह एक अमीर परिवार से हैं। उनके अन्यथा सांसारिक जीवन का एकमात्र रंग नीता के प्रति उनका जुनून था, जो एक बड़ी अधिक व्यवहारिक महिला है जो उसे पसंद करती है, लेकिन अपने भविष्य के लिए अपनी योजनाओं को साझा नहीं करती है। एक रात एक पार्टी से वापस जाते समय नीता को एक स्थानीय क्राइम बॉस हसन करमानी द्वारा छेड़छाड़ की जाती है और आमिर हिंसक रूप से हस्तक्षेप करता है। अपनी कार में घर वापस जाते समय उन्हें करमाली और उसकी गुंडों ने रोक लिया और करमाली ने नीता के साथ बलात्कार किया, जिसमें आमिर असहाय होकर देख रहे थे। आमिर के लिए अज्ञात एक ऑफ ड्यूटी पुलिस अधिकारी इस घटना का एक मूक गवाह है। नपुंसक क्रोध और अन्याय की भावना से त्रस्त आमिर को रिहाई की तलाश करनी पड़ी। वह घर छोड़ देता है। वह सब इंस्पेक्टर कपूर की ओर मुड़ता है। मूक गवाह कपूर घटना से अनजान होने का नाटक करते हुए आमिर की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि उनकी दोनों पर नाचने के बावजूद कपूर करमाली और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थता से नफरत करते हैं। वर्षों पहले कपूर ने करमाली कबीले को लिया था, एक नासमझी भरा कदम जिसने उनके करियर को लगभग नष्ट कर दिया। आमिर को अब लगता है कि उनका एक दोस्त है। एक दिन तक सच्चाई का एहसास होने पर वह बिखर जाता है। इसके तुरंत बाद करमाली द्वारा पी की गई पार्टी में
अपने वरिष्ठों के सामने नियंत्रण खो देने के बाद एसआई कपूर को निलंबित कर दिया जाता है और उन्हें गोली मारने की कोशिश की जाती है। उसका जीवन नीचे की ओर सर्पिल होने लगता है जब अकेले भयभीत नौकरी के बिना खोने के लिए कुछ भी नहीं। वह आमिर में अपने अंधेरे अनसुलझे सपनों को पूरा करने का साधन देखता है जो अब तक जुनून का रूप ले चुका है। साथ में वे अपने आम दुश्मन खूंखार करमाली परिवार के सदस्यों को ख़त्म करने के लिए तैयार हो गए। कड़वे सिपाही कपूर मासूम लेकिन निडर आमिर के लिए एक काला गुरु बन जाता है। आमिर की ज़िंदगी में आए बदलावों से अनजान नीता ने अपने अतीत को पीछे छोड़ने का फैसला किया है। वह अपने जीवन को फिर से संगठित करने के लिए धीरे धीरे लेकिन दर्द से शुरू होती है। इस बीच आमिर भयानक सिंह के वंबर में फिसल जाता है निश्चित कयामत की राह, जबकि वह पहली हत्या करता है। आमिर को अपराध बोध से लगभग पागल कर देता है। धीरे धीरे से इसकी आदत हो जाती है और यहाँ तक कि उसका आनंद भी लेने लगता है। उनका युद्ध बिना किसी विजेता के युद्ध है। एक ऐसी लड़ाई जिसकी कोई महिमा नहीं है। तार्किक जीवन के झूठ के बीच कभी कभी पागलपन में नियंत्रण होने में ही सच्चाई होती है। अंत में कपूर और आमिर अपनी बहन की शादी में करमाल की ओर को घेर लेते हैं। जैसे ही कपूर करमाली को गोली मारता है उसके वरिष्ठ पूर्व सहयोगी ने उसकी गोली मार कर हत्या कर दी। कपूर की बाहों में मरने के बाद आमिर अपनी बंदूक उठाता है और माना जाता है कि वह वरिष्ठ लड़ाई को गोली मार देता है। आखिरी दृश्य एक बार फिर से शुरुआती अनुक्रम में लौटता है जहाँ आमिर मौत की सजा पर अपने छोटे और मानवीय जीवन की घटनाओं पर विचार करता है। ढालना आमिर खान, आमिर हुसैन, सुप्रिया पाठक, नीता, पंकज कपूर, इंस्पेक्टर पीके, जगदीप उस्तादी, गजानन बंगेरा इंस्पेक्टर, नैना पलसावर नैना, होमी बाड़िया, हसन करमाली, मधुकर तोराडमल, करमाली सेठ, कर्मी दल, कला निर्देशन पार्थो सेनगुप्ता। फिर से रिलीज इस फिल्म को भारत में सिनेमाघरों में 12 जून 2009 को 20 साल बाद डिजिटली रिमास्टर प्रिंट के साथ फिल्म निर्माताओं द्वारा पलाडोर पिक्चर्स के साथ फिर से रिलीज किया जाना था। इसके बाद अगस्त 2009 में डीवीडी का विमोचन किया जाना था। निर्धारित पुनर्विमोचन अंततः कुछ अज्ञात कारणों से नहीं हुआ, जाहिर तौर पर क्योंकि यह इस अवधि के दौरान ही निर्माता मल्टीप्लेक्स मालिक गतिरोध के दौरान गिर गया था। पुरस्कार 36वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज कपूर, स्पेशल मेंशन फीचर फिल्म आमिर खान। सर्वश्रेष्ठ संपादन ए श्रीकर प्रसाद, 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कार मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आमिर खान, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज कपूर, सर्वश्रेष्ठ कहानी आदित्य भट्टाचार्य।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको राग मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्य के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आया। धन्यवाद। राग, राग अंग्रेजी एशेज, आदित्य भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसमें आमिर खान और सुप्रिया पाठक ने पंकज कपूर, गजानन बंगेरा और जगदीप के साथ मुख्य भूमिकाएं निभाई है। निर्देशक आदित्य भट्टाचार्य द्वारा लिखित आदित्य भट्टाचार्य, नुजात खान द्वारा उत्पादित आसिफ नूर, संगीत शिवन आदित्य भट्टाचार्य, अभिनीत आमिर खान, सुप्रिया पाठक, पंकज कपूर, छायांकन संतोष शिवान द्वारा संपादित ए शिलकर प्रसाद, संगीत दिया है स्कोर राजू सिंह। रिलीज की तारीख 21 अप्रैल 1989, कार्यकारी समय 124 मिनट, देश इंडिया, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस ₹1.5 करोड़, 2020 में ₹14 करोड़ या $1.8 मिलियन के बराबर। कयामत से कयामत तक के बाद यह फिल्म आमिर की पहली फिल्म थी और इसे काफ़ी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और बाद में 1989 में 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले और पिछले कुछ वर्षों में इसका काफ़ी अनुसरण किया गया। इस फिल्म ने फिर से छायाकार संतोष शिवन और फिल्म संपादक ईश्वरीका प्रसाद का बॉलीवुड डेब्यू भी बना। भूखंड जैसा कि उद्घाटन जैसे कि शीर्षक में घोषित किया गया है, फिल्म की घटनाएं भारत के एक बड़े शहर में होती हैं। 1990 के पुलिस दंगों के बाद राज्य बलों को भंग कर दिया गया और उनकी जगह एक केंद्रीय बल ले लिया गया। पुलिस के पास अब और शक्तियां थी। अपराध की दर लगातार बढ़ती जा रही थी। शहर के अमीर इलाकों में हालांकि जीवन चल रहा था, लेकिन यह एक असहज शांति थी। आमिर खान अभी 21 साल के हुए थे। वह एक अमीर परिवार से हैं। उनके अन्यथा सांसारिक जीवन का एकमात्र रंग नीता के प्रति उनका जुनून था, जो एक बड़ी अधिक व्यवहारिक महिला है जो उसे पसंद करती है, लेकिन अपने भविष्य के लिए अपनी योजनाओं को साझा नहीं करती है। एक रात एक पार्टी से वापस जाते समय नीता को
एक स्थानीय क्राइम बॉस हसन करमानी द्वारा छेड़छाड़ की जाती है और आमिर हिंसक रूप से हस्तक्षेप करता है। अपनी कार में घर वापस जाते समय उन्हें करमाली और उसकी गुंडों ने रोक लिया और करमाली ने नीता के साथ बलात्कार किया, जिसमें आमिर असहाय होकर देख रहे थे। आमिर के लिए अज्ञात एक ऑफ ड्यूटी पुलिस अधिकारी इस घटना का एक मूक गवाह है। नपुंसक क्रोध और अन्याय की भावना से त्रस्त आमिर को रिहाई की तलाश करनी पड़ी। वह घर छोड़ देता है। वह सब इंस्पेक्टर कपूर की ओर मुड़ता है। मूक गवाह कपूर घटना से अनजान होने का नाटक करते हुए आमिर की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि उनकी दोनों पर नाचने के बावजूद कपूर करमाली और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थता से नफरत करते हैं। वर्षों पहले कपूर ने करमाली कबीले को लिया था एक नासमझी भरा कदम, जिसने उनके करियर को लगभग नष्ट कर दिया। आमिर को अब लगता है कि उनका एक दोस्त है। एक दिन तक सच्चाई का एहसास होने पर वह बिखर जाता है। इसके तुरंत बाद करमाली द्वारा फेंकी गई पार्टी में अपने वरिष्ठों के सामने नियंत्रण खो देने के बाद एसआई कपूर को निलंबित कर दिया जाता है और उन्हें गोली मारने की कोशिश की जाती है। उसका जीवन नीचे की ओर सर्पिल होने लगता है, जब अकेले भयभीत नौकरी के बिना खोने के लिए कुछ भी नहीं। वह आमिर में अपने अंधेरे अनसुलझे सपनों को पूरा करने का साधन देखता है, जो अब तक जुनून का रूप ले चुका है। साथ में वे अपने आम दुश्मन खूंखार करमाली परिवार के सदस्यों को ख़त्म करने के लिए तैयार हो गए। कड़वे सिपाही कपूर मासूम लेकिन निडर आमिर के लिए एक काला गुरु बन जाता है। आमिर की ज़िंदगी में आए बदलावों से अनजान नीता ने अपने अतीत को पीछे छोड़ने का फैसला किया है। वह अपने जीवन को फिर से संगठित करने के लिए धीरे धीरे लेकिन दर्द से शुरू होती है। इस बीच आमिर भयानक सिंह के गम्बर में फिसल जाता है, निश्चित कयामत की राह। जबकि वह पहली हत्या करता है, आमिर को अपराध बोध से लगभग पागल कर देता है। धीरे धीरे से इसकी आदत हो जाती है और यहाँ तक कि उसका आनंद भी लेने लगता है। उनका युद्ध बिना किसी विजेता के युद्ध है। एक ऐसी लड़ाई जिसकी कोई महिमा नहीं है। तार्किक जीवन के झूठ के बीच कभी कभी पागलपन में नियंत्रण खोने में ही सच्चाई होती है। अंत में कपूर और आमिर अपनी बहन की शादी में करमाली की ओर को घेर लेते हैं। जैसे ही कपूर करमाली को गोली मारता है, उसके वरिष्ठ पुरुष सहयोगी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। कपूर की बाहों में मरने के बाद आमिर अपनी बंदूक उठाता है। माना जाता है कि वह वरिष्ठ लड़ाई को गोली मार देता है। आखिरी दृश्य एक बार फिर से शुरुआती अनुक्रम में लौटता है, जहाँ आमिर मौत की सजा पर अपने छोटे और मानवीय जीवन की घटनाओं पर विचार करता है। ढालना आमिर खान, आमिर हुसैन, सुप्रिया पाठक, नीता, पंकज कपूर, इंस्पेक्टर पीके,
जगदीप उस्तादी गजानन बंगेरा इंस्पेक्टर नैना पलसावर नैना होमी बाड़िया हसन करमाली मधुकर तोराडमल करमाली सेठ कर्मी दल कला निर्देशन पार्थो सेनगुप्ता फिर से रिलीज इस फिल्म को भारत में सिनेमाघरों में 12 जून 2009 को 20 साल बाद डिजिटली रीमास्टर प्रिंट के साथ फिल्म निर्माताओं द्वारा पलाडोर पिक्चर्स के साथ फिर से रिलीज किया जाना था। इसके बाद अगस्त 2009 में डीवीडी का विमोचन किया जाना था। निर्धारित पुनर्विमोचन अंततः कुछ अज्ञात कारणों से नहीं हुआ, जाहिर तौर पर क्योंकि यह इस अवधि के दौरान ही निर्माता मल्टीप्लेक्स मालिक गतिरोध के दौरान गिर गया था। पुरस्कार 36वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज कपूर, स्पेशल मेंशन फीचर फिल्म आमिर खान, सर्वश्रेष्ठ संपादन ए श्रीकर प्रसाद, 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कार मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आमिर खान, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज कपूर, सर्वश्रेष्ठ कहानी आदित्य भट्टाचार्य। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको राख मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्य के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्तों को पसंद आया। धन्यवाद। राख, राख अंग्रेजी एशेज आदित्य भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसमें आमिर खान और सुप्रिया पाठक ने पंकज कपूर गजानन बंगेरा और जगदीप के साथ मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। निर्देशक आदित्य भट्टाचार्य द्वारा लिखित आदित्य भट्टाचार्य, नुजात खान द्वारा उत्पादित आसिफ नूर, संगीत शिवन आदित्य भट्टाचार्य, अभिनीत आमिर खान, सुप्रिया पाठक, पंकज कपूर, छायांकन संतोष शिवान द्वारा संपादित ए श्रीकर प्रसाद, संगीत यह है स्कोर राजू सिंह। रिलीज की तारीख 21 अप्रैल 1989। कार्यकारी समय 124 मिनट। देश इंडिया। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस ₹1.5 करोड़। 2020 में ₹14 करोड़ या $1.8 मिलियन के बराबर। कयामत से कयामत तक के बाद यह फिल्म आमिर की पहली फिल्म थी और इसे काफ़ी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और बाद में 1989 में
3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले और पिछले कुछ वर्षों में इसका काफ़ी अनुसरण किया गया। इस फिल्म ने प्रसिद्ध छायाकार संतोष सिवन और फिल्म संपादक ए श्रीका प्रसाद का बॉलीवुड डेब्यू भी बना। भूखल जैसा कि उद्घाटन दृश्य के शीर्षक में घोषित किया गया है, फिल्म की घटनाएं भारत के एक बड़े शहर में होती हैं। 1990 के पुलिस दंगों के बाद राज्य बलों को भंग कर दिया गया और उनकी जगह एक केंद्रीय बल ले लिया गया। पुलिस के पास अब और शक्तियाँ थीं। अपराध की दर लगातार बढ़ती जा रही थी। शहर के अमीर इलाकों में हालांकि जीवन चल रहा था, लेकिन यह एक असहज शांति थी। आमिर खान अभी 21 साल के हुए थे। वह एक अमीर परिवार से हैं। उनके अन्यथा सांसारिक जीवन का एकमात्र रंग नीता के प्रति उनका जुनून था, जो एक बड़ी अधिक व्यवहारिक महिला है जो उसे पसंद करती है, लेकिन अपने भविष्य के लिए अपनी योजनाओं को साझा नहीं करती है। एक रात एक पार्टी से वापस जाते समय नीता को एक स्थानीय क्राइम बॉस हसन करमानी द्वारा छेड़छाड़ की जाती है और आमिर हिंसक रूप से हस्तक्षेप करता है। अपनी कार में घर वापस जाते समय उन्हें करमाली और उसकी गुंडों ने रोक लिया और करमाली ने नीता के साथ बलात्कार किया, जिसमें आमिर असहाय होकर देख रहे थे। आमिर के लिए अज्ञात एक ऑफ ड्यूटी पुलिस अधिकारी इस घटना का एक मूक गवाह है। नपुंसक क्रोध और अन्याय की भावना से त्रस्त आमिर को रिहाई की तलाश करनी पड़ी। वह घर छोड़ देता है। वह सब इंस्पेक्टर कपूर की ओर मुड़ता है। मूक गवाह कपूर घटना से अनजान होने का नाटक करते हुए आमिर की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि उनकी दोनों पर नाचने के बावजूद कपूर करमाली और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थता से नफरत करते हैं। वर्षों पहले कपूर ने करमाली कबीले को लिया था, एक नासमझी भरा कदम जिसने उनके करियर को लगभग नष्ट कर दिया। आमिर को अब लगता है कि उनका एक दोस्त है। एक दिन तक सच्चाई का एहसास होने पर वह बिखर जाता है। इसके तुरंत बाद करमाली द्वारा फेंकी गई पार्टी में अपने वरिष्ठों के सामने नियंत्रण खो देने के बाद एसआई कपूर को निलंबित कर दिया जाता है और उन्हें गोली मारने की कोशिश की जाती है। उसका जीवन नीचे की ओर सर्पिल होने लगता है जब अकेले भयभीत नौकरी के बिना खोने के लिए कुछ भी नहीं। वह आमिर में अपने अंधेरे अनसुलझे सपनों को पूरा करने का साधन देखता है, जो अब तक जुनून का रूप ले चुका है। साथ में वे अपने आम दुश्मन खूंखार करमाली परिवार के सदस्यों को ख़त्म करने के लिए तैयार हो गए। कड़वे सिपाही कपूर मासूम लेकिन निडर आमिर के लिए एक काला गुरु बन जाता है। आमिर की ज़िंदगी में आए बदलावों से अनजान नीता ने
अपने अतीत को पीछे छोड़ने का फैसला किया है। वह अपने जीवन को फिर से संगठित करने के लिए धीरे धीरे लेकिन दर्द से शुरू होती है। इस बीच आमिर भयानक सिंह के गंबर में फिसल जाता है, निश्चित कयामत की राह। जबकि वह पहली हत्या करता है, आमिर को अपराध बोध से लगभग पागल कर देता है। धीरे धीरे से इसकी आदत हो जाती है और यहाँ तक कि उसका आनंद भी लेने लगता है। उनका युद्ध बिना किसी विजेता के युद्ध है। एक ऐसी लड़ाई जिसकी कोई महिमा नहीं है। तार्किक जीवन के झूठ के बीच कभी कभी पागलपन में नियंत्रण होने में ही सच्चाई होती है। अंत में कपूर और आमिर अपनी बहन की शादी में करमल की ओर को घेर लेते हैं। जैसे ही कपूर करमाली को गोली मारता है, उसके वरिष्ठ पूर्व सहयोगी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। कपूर की बाहों में मरने के बाद आमिर अपनी बंदूक उठाता है और माना जाता है कि वह वरिष्ठ को गोली मार देता है। आखिरी दृश्य एक बार फिर से शुरुआती अनुक्रम में लौटता है, जहाँ आमिर मौत की सजा पर अपने छोटे और मानवीय जीवन की घटनाओं पर विचार करता है। ढालना, आमिर खान, आमिर हुसैन, सुप्रिया पाठक, नीता, पंकज कपूर, इंस्पेक्टर पीके, जगदीप, उस्तादी, गजानन बंगेरा, इंस्पेक्टर नैना पलसावर, नैना होमी बाड़िया, हसन करमाली, मधुकर तोराडमल, करमाली सेठ, कर्मीदल, कला निर्देशन पार्थो सेनगुप्ता। फिर से रिलीज इस फिल्म को भारत में सिनेमाघरों में 12 जून 2009 को 20 साल बाद डिजिटली रिमास्टर प्रिंट के साथ फिल्म निर्माताओं द्वारा पलाडोर पिक्चर्स के साथ फिर से रिलीज किया जाना था। इसके बाद अगस्त 2009 में डीवीडी का विमोचन किया जाना था। निर्धारित पुनर्विमोचन अंततः कुछ अज्ञात कारणों से नहीं हुआ, जाहिर तौर पर क्योंकि यह इस अवधि के दौरान निर्माता मल्टीप्लेक्स मालिक गतिरोध के दौरान गिर गया था। पुरस्कार 36वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज कपूर, स्पेशल मेंशन फीचर फिल्म आमिर खान। सर्वश्रेष्ठ संपादन ए श्रीकर प्रसाद, 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कार मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आमिर खान, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज कपूर, सर्वश्रेष्ठ कहानी आदित्य भट्टाचार्य। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको राख मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्य के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आया। धन्यवाद। राख
राग अंग्रेजी एशेज, आदित्य भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसमें आमिर खान और सुप्रिया पाठक ने पंकज कपूर, गजानन बंगेरा और जगदीप के साथ मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। निर्देशक आदित्य भट्टाचार्य द्वारा लिखित आदित्य भट्टाचार्य, नुजात खान द्वारा उत्पादित, आसिफ नूर, संगीत शिवन आदित्य भट्टाचार्य, अभिनीत आमिर खान, सुप्रिया पाठक, पंकज कपूर, छायांकन संतोष शिवान द्वारा संपादित, ए शिलकर प्रसाद, संगीत है स्कोर राजू सिंह। रिलीज की तारीख 21 अप्रैल 1989, कार्यकारी समय 124 मिनट, देश इंडिया, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस ₹1.5 करोड़, 2020 में ₹14 करोड़ या $1.8 मिलियन के बराबर। कयामत से कयामत तक के बाद यह फिल्म आमिर की पहली फिल्म थी और इसे काफ़ी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और बाद में 1989 में 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले और पिछले कुछ वर्षों में इसका काफ़ी अनुसरण किया गया। इस फिल्म ने प्रसिद्ध छायाकार संतोष शिवन और फिल्म संपादक ई श्रीकर प्रसाद का बॉलीवुड डेब्यू भी बना। भूखंड जैसा कि उद्घाटन दृश्य के शीर्षक में घोषित किया गया है, फिल्म की घटनाएं भारत के एक बड़े शहर में होती हैं। 1990 के पुलिस दंगों के बाद राज्य बलों को भंग कर दिया गया और उनकी जगह एक केंद्रीय बल ले लिया गया। पुलिस के पास अब और शक्तियाँ थीं, अपराध की दर लगातार बढ़ती जा रही थी। शहर के अमीर इलाकों में हालांकि जीवन चल रहा था, लेकिन यह एक असहज शांति थी। आमिर खान अभी 21 साल के हुए थे। वह एक अमीर परिवार से हैं, उनके अन्यथा सांसारिक जीवन का एकमात्र रंग नीता के प्रति उनका जुनून था, जो एक बड़ी अधिक व्यवहारिक महिला है जो उसे पसंद करती है, लेकिन अपने भविष्य के लिए अपनी योजनाओं को साझा नहीं करती है। एक रात एक पार्टी से वापस जाते समय नीता को एक स्थानीय क्राइम बॉस हसन करमानी द्वारा छेड़छाड़ की जाती है और आमिर हिंसक रूप से हस्तक्षेप करता है। अपनी कार में घर वापस जाते समय उन्हें करमाली और उसकी गुंडों ने रोक लिया और करमाली ने नीता के साथ बलात्कार किया, जिसमें आमिर असहाय होकर देख रहे थे। आमिर के लिए अज्ञात एक ऑफ ड्यूटी पुलिस अधिकारी इस घटना का एक मूक गवाह है। नपुंसक क्रोध और अन्याय की भावना से त्रस्त आमिर को रिहाई की तलाश करनी पड़ी।
वह घर छोड़ देता है। वह सब इंस्पेक्टर कपूर की ओर मुड़ता है। मुंह गवाह कपूर घटना से अनजान होने का नाटक करते हुए आमिर की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि उनकी दोनों पर नाचने के बावजूद कपूर करमाली और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थता से नफरत करते हैं। वर्षों पहले कपूर ने करमाली कबीले को लिया था एक नासमझी भरा कदम जिसने उनके करियर को लगभग नष्ट कर दिया। आमिर को अब लगता है कि उनका एक दोस्त है। एक दिन तक सच्चाई का एहसास होने पर वह बिखर जाता है। इसके तुरंत बाद करमाली द्वारा फेंकी गई पार्टी में अपने वरिष्ठों के सामने नियंत्रण खो देने के बाद एसआई कपूर को निलंबित कर दिया जाता है और उन्हें गोली मारने की कोशिश की जाती है। उसका जीवन नीचे की ओर सर्पिल होने लगता है जब अकेले भयभीत नौकरी के बिना खोने के लिए कुछ भी नहीं। वह आमिर में अपने अंधेरे अनसुलझे सपनों को पूरा करने का साधन देखता है जो अब तक जुनून का रूप ले चुका है। साथ में वे अपने आम दुश्मन खूंखार करमाली परिवार के सदस्यों को ख़त्म करने के लिए तैयार हो गए। कड़वे सिपाही कपूर मासूम लेकिन निडर आमिर के लिए एक काला गुरु बन जाता है। आमिर की ज़िंदगी में आए बदलावों से अनजान नीता ने अपने अतीत को पीछे छोड़ने का फैसला किया है। वह अपने जीवन को फिर से संगठित करने के लिए धीरे धीरे लेकिन दर्द से शुरू होती है। इस बीच आमिर भयानक सिंह के गंबर में फिसल जाता है निश्चित कयामत की राह। जबकि वह पहली हत्या करता है आमिर को अपराध बोध से लगभग पागल कर देता है। धीरे धीरे से इसकी आदत हो जाती है और यहाँ तक कि उसका आनंद भी लेने लगता है। उनका युद्ध बिना किसी विजेता के युद्ध है। एक ऐसी लड़ाई जिसकी कोई महिमा नहीं है। तार्किक जीवन के झूठ के बीच कभी कभी पागलपन में नियंत्रण होने में ही सच्चाई होती है। अंत में कपूर और आमिर अपनी बहन की शादी में करमाल की ओर को घेर लेते हैं। जैसे ही कपूर करमाली को गोली मारता है उसके वरिष्ठ पुरुष सहयोगी ने उसकी गोली मार कर हत्या कर दी। कपूर की बाहों में मरने के बाद आमिर अपनी बंदूक उठाता है। माना जाता है कि वह वरिष्ठ लड़ाई को गोली मार देता है। आखिरी दृश्य एक बार फिर से शुरुआती अनुक्रम में लौटता है जहाँ आमिर मौत की सजा पर अपने छोटे और मानवीय जीवन की घटनाओं पर विचार करता है। ढालना आमिर खान, आमिर हुसैन, सुप्रिया पाठक, नीता, पंकज कपूर, इंस्पेक्टर पीके, जगदीप उस्तादी, गजानन बंगेरा इंस्पेक्टर, नैना पलसावर नैना, होमी बाड़िया, हसन करमाली, मधुकर तोराडमल, करमाली सेठ, कर्मीदल कला निर्देशन पार्थो सेनगुप्ता। फिर से रिलीज इस फिल्म को भारत में सिनेमाघरों में 12 जून 2009 को 20 साल बाद डिजिटली रीमास्टर प्रिंट के साथ फिल्म निर्माताओं द्वारा पलाडोर पिक्चर्स के साथ फिर से रिलीज किया जाना था। इसके बाद अगर 2009 में डीवीडी का विमोचन किया जाना था निर्धारित।
पुनर्विमोचन अथवा मुख्य कुछ अज्ञात कारणों से नहीं हुआ जाहिर तौर पर, क्योंकि यह इस अवधि के दौरान एक निर्माता मल्टीप्लेक्स मालिक गतिरोध के दौरान गिर गया था। पुरस्कार 36वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज कपूर, स्पेशल मेंशन फीचर फिल्म आमिर खान। सर्वश्रेष्ठ संपादन ए श्रीकर प्रसाद, 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कार मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आमिर खान, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज कपूर, सर्वश्रेष्ठ कहानी आदित्य भट्टाचार्य। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको राख मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्य के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आया। धन्यवाद। राख, राख अंग्रेजी एशेज, आदित्य भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसमें आमिर खान और सुप्रिया पाठक ने पंकज कपूर, गजानन बंगेरा और जगदीप के साथ मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। निर्देशक आदित्य भट्टाचार्य द्वारा लिखित आदित्य भट्टाचार्य, नुजात खान द्वारा उत्पादित आसिफ नूर, संगीत शिवन आदित्य भट्टाचार्य, अभिनीत आमिर खान, सुप्रिया पाठक, पंकज कपूर, छायांकन संतोष शिवान द्वारा संपादित ए श्रीकर प्रसाद, संगीतिया है स्कोर राजू सिंह। रिलीज की तारीख 21 अप्रैल 1989, कार्यकारी समय 124 मिनट, देश इंडिया, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस रुपये 1.5 करोड़, 2020 में ₹14 करोड़ या $1.8 मिलियन के बराबर। कयामत से कयामत तक के बाद यह फिल्म आमिर की पहली फिल्म थी और इसे काफ़ी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और बाद में 1989 में 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले और पिछले कुछ वर्षों में इसका काफ़ी अनुसरण किया गया। इस फिल्म ने प्रसिद्ध छायाकार संतोष शिवन और फिल्म संपादक ए श्रीकर प्रसाद का बॉलीवुड डेब्यू भी बना। भूखंड जैसा कि उद्घाटन जैसे कि शीर्षक में घोषित किया गया है, फिल्म की घटनाएं भारत के एक बड़े शहर में होती है। 1990 के पुलिस दंगों के बाद राज्य बलों को भंग कर दिया गया और उनकी जगह एक केंद्रीय बल ले लिया गया। पुलिस के पास अब और
शक्तियाँ थीं। अपराध की दर लगातार बढ़ती जा रही थी। शहर के अमीर इलाकों में हालांकि जीवन चल रहा था, लेकिन यह एक असहज शांति थी। आमिर खान अभी 21 साल के हुए थे। वह एक अमीर परिवार से हैं। उनके अन्यथा सांसारिक जीवन का एकमात्र रंग नीता के प्रति उनका जुनून था, जो एक बड़ी अधिक व्यवहारिक महिला है जो उसे पसंद करती है, लेकिन अपने भविष्य के लिए अपनी योजनाओं को साझा नहीं करती है। एक रात एक पार्टी से वापस जाते समय नीता को एक स्थानीय क्राइम बॉस हसन करमानी द्वारा छेड़छाड़ की जाती है और आमिर हिंसक रूप से हस्तक्षेप करता है। अपनी कार में घर वापस जाते समय उन्हें करमाली और उसकी गुंडों ने रोक लिया और करमाली ने नीता के साथ बलात्कार किया, जिसमें आमिर असहाय होकर देख रहे थे। आमिर के लिए अज्ञात एक ऑफ ड्यूटी पुलिस अधिकारी इस घटना का एक मूक गवाह है। नपुंसक क्रोध और अन्याय की भावना से त्रस्त आमिर को रिहाई की तलाश करनी पड़ी। वह घर छोड़ देता है। वह सब इंस्पेक्टर कपूर की ओर मुड़ता है। मूक गवाह कपूर घटना से अनजान होने का नाटक करते हुए आमिर की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि उनकी दोनों पर नाचने के बावजूद कपूर करमाली और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थता से नफरत करते हैं। वर्षों पहले कपूर ने करमाली कबीले को लिया था, एक नासमझी भरा कदम जिसने उनके करियर को लगभग नष्ट कर दिया। आमिर को अब लगता है कि उनका एक दोस्त है। एक दिन तक सच्चाई का एहसास होने पर वह बिखर जाता है। इसके तुरंत बाद करमाली द्वारा फेंकी गई पार्टी में अपने वरिष्ठों के सामने नियंत्रण खो देने के बाद एसआई कपूर को निलंबित कर दिया जाता है और उन्हें गोली मारने की कोशिश की जाती है। उसका जीवन नीचे की ओर सर्पिल होने लगता है, जब अकेले भयभीत नौकरी के बिना खोने के लिए कुछ भी नहीं। वह आमिर में अपने अंधेरे अनसुलझे सपनों को पूरा करने का साधन देखता है, जो अब तक जुनून का रूप ले चुका है। साथ में वे अपने आम दुश्मन खूंखार करमाली परिवार के सदस्य को ख़त्म करने के लिए तैयार हो गए। कड़वे सिपाही कपूर मासूम लेकिन निडर आमिर के लिए एक काला गुरु बन जाता है। आमिर की ज़िंदगी में आए बदलावों से अनजान नीता ने अपने अतीत को पीछे छोड़ने का फैसला किया है। वह अपने जीवन को फिर से संगठित करने के लिए धीरे धीरे लेकिन दर्द से शुरू होती है। इस बीच आमिर भयानक सिंह के गंबर में फिसल जाता है, निश्चित कयामत की राह। जबकि वह पहली हत्या करता है, आमिर को अपराध बोध से लगभग पागल कर देता है। धीरे धीरे से इसकी आदत हो जाती है और यहाँ तक कि उसका आनंद भी लेने लगता है। उनका युद्ध बिना किसी विजेता के युद्ध है। एक ऐसी लड़ाई जिसकी कोई
जिसकी कोई महिमा नहीं है। तार के जीवन के झूठ के भी कभी कभी पागलपन में नियंत्रक होने में ही सच्चाई होती है। अंत में कपूर और आमिर अपनी बहन की शादी में करमल की ओर को घेर लेते हैं। जैसे ही कपूर करमाली को गोली मारता है, उसके घनिष्ठ पूर्व सहयोगी ने उसकी गोली मार कर हत्या कर दी। कपूर की बाहों में मरने के बाद आमिर अपनी बंदूक उठाता है और माना जाता है कि वह घनिष्ठ लड़ाई को गोली मार देता है। आखिरी दृश्य एक बार फिर से शुरुआती अनुक्रम में लौटता है, जहाँ आमिर मौत की सजा पर अपने छोटे और मार्मिक जीवन की घटनाओं पर विचार करता है। ढालना, आमिर खान, आमिर हुसैन, सुप्रिया पाठक, नीता, पंकज कपूर, इंस्पेक्टर पीके, जगदीप, उस्तादी, गजानन बंगेरा, इंस्पेक्टर नैना पलसावर, नैना होमी बाड़िया, हसन करमाली, मधुकर तोराडमल, करमाली सेठ, कर्मी दल, कला निर्देशन पार्थो सेनगुप्ता। फिर से रिलीज इस फिल्म को भारत में सिनेमाघरों में 12 जून 2009 को 20 साल बाद डिजिटली रीमास्टर प्रिंट के साथ फिल्म निर्माताओं द्वारा पलाडोर पिक्चर्स के साथ फिर से रिलीज किया जाना था। इसके बाद अगस्त 2009 में डीवीडी का विमोचन किया जाना था। निर्धारित पुनर्विमोचन अंततः कुछ अज्ञात कारणों से नहीं हुआ, जाहिर तौर पर क्योंकि यह इस अवधि के दौरान एक निर्माता मल्टीप्लेक्स मालिक गतिरोध के दौरान गिर गया था। पुरस्कार 36वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज कपूर, स्पेशल मेंशन फीचर फिल्म आमिर खान। सर्वश्रेष्ठ संपादन ए श्रीकर प्रसाद, 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कार मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आमिर खान, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज कपूर, सर्वश्रेष्ठ कहानी आदित्य भट्टाचार्य। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको राग मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्य के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्तों को पसंद आया। धन्यवाद। राग, राग अंग्रेजी एशेज, आदित्य भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसमें आमिर खान और सुप्रिया पाठक ने पंकज कपूर, गजानन बंगेरा और जगदीप के साथ मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। निर्देशक आदित्य भट्टाचार्य द्वारा लिखित आदित्य भट्टाचार्य, नुजहत खान द्वारा उत्पादित आसिफ नूर, संगीत शिवम आदित्य भट्टाचार्य, अभिनीत
आमिर खान, सुप्रिया पाठक, पंकज कपूर, छायांकन संतोष शिवान द्वारा संपादित, ए शेखर प्रसाद, संगीत दिया है इसको राजू सिंह। रिलीज की तारीख 21 अप्रैल 1989। कार्यकारी समय 124 मिनट। देश इंडिया। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस रुपये 1.5 करोड़। 2020 में रुपये 14 करोड़ या $1.8 मिलियन के बराबर। कयामत से कयामत तक के बाद यह फिल्म आमिर की पहली फिल्म थी और इसे काफ़ी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और बाद में 1989 में 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले और पिछले कुछ वर्षों में इसका काफ़ी अनुसरण किया गया। इस फिल्म ने प्रसिद्ध छायाकार संतोष शिवन और फिल्म संपादक ए शेखर प्रसाद का बॉलीवुड डेब्यू भी बना। भूखल जैसा कि उद्घाटन दृश्य के शीर्षक में घोषित किया गया है, फिल्म की घटनाएं भारत के एक बड़े शहर में होती हैं। 1990 के पुलिस दंगों के बाद राज्य बलों को भंग कर दिया गया और उनकी जगह एक केंद्रीय बल ले लिया गया। पुलिस के पास अब और शक्तियाँ थीं। अपराध की दर लगातार बढ़ती जा रही थी। शहर के अमीर इलाकों में हालांकि जीवन चल रहा था, लेकिन यह एक असहज शांति थी। आमिर खान अभी 21 साल के हुए थे। वह एक अमीर परिवार से हैं। उनके अन्यथा सांसारिक जीवन का एकमात्र रंग नीता के प्रति उनका जुनून था, जो एक बड़ी अधिक व्यवहारिक महिला है जो उसे पसंद करती है, लेकिन अपने भविष्य के लिए अपनी योजनाओं को साझा नहीं करती है। एक रात एक पार्टी से वापस जाते समय नीता को एक स्थानीय क्राइम बॉस हसन करमानी द्वारा छेड़छाड़ की जाती है और आमिर हिंसक रूप से हस्तक्षेप करता है। अपनी कार में घर वापस जाते समय उन्हें करमाली और उसकी गुंडों ने रोक लिया और करमाली ने नीता के साथ बलात्कार किया, जिसमें आमिर असहाय होकर देख रहे थे। आमिर के लिए अज्ञात एक ऑफ ड्यूटी पुलिस अधिकारी इस घटना का एक मूक गवाह है। नपुंसक क्रोध और अन्याय की भावना से त्रस्त आमिर को रिहाई की तलाश करनी पड़ी। वह घर छोड़ देता है। वह सब इंस्पेक्टर कपूर की ओर मुड़ता है। मूक गवाह कपूर घटना से अनजान होने का नाटक करते हुए आमिर की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि उनकी दोनों पर नाचने के बावजूद कपूर करमाली और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थता से नफरत करते हैं। वर्षों पहले कपूर ने करमाली कबीले को लिया था, एक नासमझी भरा कदम जिसने उनके करियर को लगभग नष्ट कर दिया। आमिर को अब लगता है कि उनका एक दोस्त है। एक दिन तक सच्चाई का एहसास होने पर वह बिखर जाता है। इसके तुरंत बाद
करमाली द्वारा फेंकी गई पार्टी में अपने वरिष्ठों के सामने नियंत्रण खो देने के बाद एसआई कपूर को निलंबित कर दिया जाता है और उन्हें गोली मारने की कोशिश की जाती है। उसका जीवन नीचे की ओर सर्पिल होने लगता है जब अकेले भयभीत नौकरी के बिना खोने के लिए कुछ भी नहीं। वह आमिर में अपने अंधेरे अनसुलझे सपनों को पूरा करने का साधन देखता है जो अब तक जुनून का रूप ले चुका है। साथ में वे अपने आम दुश्मन खूंखार करमाली परिवार के सदस्य को ख़त्म करने के लिए तैयार हो गए। कड़वे सिपाही कपूर मासूम लेकिन निडर आमिर के लिए एक काला गुरु बन जाता है। आमिर की ज़िंदगी में आए बदलावों से अनजान नीता ने अपने अतीत को पीछे छोड़ने का फैसला किया है। वह अपने जीवन को फिर से संगठित करने के लिए धीरे धीरे लेकिन दर्द से शुरू होती है। इस बीच आमिर भयानक सिंह के गंबर में फिसल जाता है, निश्चित कयामत की राह। जबकि वह पहली हत्या करता है, आमिर को अपराध बोध से लगभग पागल कर देता है। धीरे धीरे से इसकी आदत हो जाती है और यहाँ तक कि उसका आनंद भी लेने लगता है। उनका युद्ध बिना किसी विजेता के युद्ध है। एक ऐसी लड़ाई जिसकी कोई महिमा नहीं है। तार्किक जीवन के झूठ के बीच कभी कभी पागलपन में नियंत्रण होने में ही सच्चाई होती है। अंत में कपूर और आमिर अपनी बहन की शादी में करमाल की ओर को घेर लेते हैं। जैसे ही कपूर करमाली को गोली मारता है, उसके वरिष्ठ पूर्व सहयोगी ने उसकी गोली मार कर हत्या कर दी। कपूर की बाहों में मरने के बाद आमिर अपनी बंदूक उठाता है और माना जाता है कि वह वरिष्ठ पूर्व को गोली मार देता है। आखिरी दृश्य एक बार फिर से शुरुआती अनुक्रम में लौटता है, जहाँ आमिर मौत की सजा पर अपने छोटे और मानवीय जीवन की घटनाओं पर विचार करता है। ढालना आमिर खान, आमिर हुसैन, सुप्रिया पाठक नीता, पंकज कपूर इंस्पेक्टर पी के, जगदीप उस्तादी, गजानन बंगेरा इंस्पेक्टर, नैना पलसावर नैना, होमी बाड़िया, हसन करमाली, मधुकर तोराडमल करमाली सेठ, कर्मीदल कला निर्देशन पार्थो सेन गुप्ता। फिर से रिलीज इस फिल्म को भारत में सिनेमाघरों में 12 जून 2009 को 20 साल बाद डिजिटली रीमास्टर प्रिंट के साथ फिल्म निर्माताओं द्वारा पलाडोर पिक्चर्स के साथ फिर से रिलीज किया जाना था। इसके बाद अगस्त 2009 में डीवीडी का विमोचन किया जाना था। निर्धारित पुनर्विमोचन अंततः कुछ अज्ञात कारणों से नहीं हुआ, जाहिर तौर पर क्योंकि यह इस अवधि के दौरान ही निर्माता मल्टीप्लेक्स मालिक गतिरोध के दौरान गिर गया था। पुरस्कार 36वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज कपूर, स्पेशल मेंशन फीचर फिल्म आमिर खान। सर्वश्रेष्ठ संपादन ए श्रीकर प्रसाद, 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कार मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आमिर खान, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज कपूर, सर्वश्रेष्ठ कहानी आदित्य भट्टाचार्य।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको राख मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्य के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्तों को पसंद आया। धन्यवाद। राख, राख अंग्रेजी एशेज, आदित्य भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसमें आमिर खान और सुप्रिया पाठक ने पंकज कपूर, गजानन बंगेरा और जगदीप के साथ मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। निर्देशक आदित्य भट्टाचार्य द्वारा लिखित आदित्य भट्टाचार्य, नुजात खान द्वारा उत्पादित आसिफ नूर, संगीत शिवन आदित्य भट्टाचार्य, अभिनीत आमिर खान, सुप्रिया पाठक, पंकज कपूर, छायांकन संतोष शिवान द्वारा संपादित ए शिलकर प्रसाद, संगीत दिया है स्कोर राजू सिंह। रिलीज की तारीख 21 अप्रैल 1989, कार्यकारी समय 124 मिनट, देश इंडिया, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस ₹1.5 करोड़, 2020 में ₹14 करोड़ या $1.8 मिलियन के बराबर। कयामत से कयामत तक के बाद यह फिल्म आमिर की पहली फिल्म थी और इसे काफ़ी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और बाद में 1989 में 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। और पिछले कुछ वर्षों में इसका काफ़ी अनुसरण किया गया। इस फिल्म ने प्रसिद्ध छायाकार संतोष शिवन और फिल्म संपादक ई श्रीकर प्रसाद का बॉलीवुड डेब्यू भी बना। भूखंड जैसा कि उद्घाटन जैसे कि शीर्षक में घोषित किया गया है, फिल्म की घटनाएं भारत के एक बड़े शहर में होती हैं। 1990 के पुलिस दंगों के बाद राज्य बलों को भंग कर दिया गया और उनकी जगह एक केंद्रीय बल ले लिया गया। पुलिस के पास अब और शक्तियाँ थी। अपराध की दर लगातार बढ़ती जा रही थी शहर के अमीर इलाकों में। हालांकि जीवन चल रहा था, लेकिन यह एक असहज शांति थी। आमिर खान अभी 21 साल के हुए थे। वह एक अमीर परिवार से हैं। उनके अन्यथा सांसारिक जीवन का एकमात्र रंग नीता के प्रति उनका जुनून था, जो एक बड़ी अधिक व्यवहारिक महिला है जो उसे पसंद करती है, लेकिन अपने भविष्य के लिए अपनी योजनाओं को साझा नहीं करती है। एक रात एक पार्टी से वापस जाते समय नीता को
एक स्थानीय क्राइम बॉस हसन करमानी द्वारा छेड़छाड़ की जाती है और आमिर हिंसक रूप से हस्तक्षेप करता है। अपनी कार में घर वापस जाते समय उन्हें करमाली और उसकी गुंडों ने रोक लिया और करमाली ने नीता के साथ बलात्कार किया, जिसमें आमिर असहाय होकर देख रहे थे। आमिर के लिए अज्ञात एक और ड्यूटी पुलिस अधिकारी इस घटना का एक मूक गवाह है। नपुंसक क्रोध और अन्याय की भावना से त्रस्त आमिर को रिहाई की तलाश करनी पड़ी। वह घर छोड़ देता है। वह सब इंस्पेक्टर कपूर की ओर मुड़ता है। मूक गवाह कपूर घटना से अनजान होने का नाटक करते हुए आमिर की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि उनकी दोनों पर नाचने के बावजूद कपूर करमाली और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थता से नफरत करते हैं। वर्षों पहले कपूर ने करमाली कबीले को लिया था एक नासमझी भरा कदम, जिसने उनके करियर को लगभग नष्ट कर दिया। आमिर को अब लगता है कि उनका एक दोस्त है। एक दिन तक सच्चाई का एहसास होने पर वह बिखर जाता है। इसके तुरंत बाद करमाली द्वारा फेंकी गई पार्टी में अपने वरिष्ठों के सामने नियंत्रण खो देने के बाद एसआई कपूर को निलंबित कर दिया जाता है और उन्हें गोली मारने की कोशिश की जाती है। उसका जीवन नीचे की ओर सर्पिल होने लगता है, जब अकेले भयभीत नौकरी के बिना खोने के लिए कुछ भी नहीं। वह आमिर में अपने अंधेरे अनसुलझे सपनों को पूरा करने का साधन देखता है, जो अब तक जुनून का रूप ले चुका है। साथ में वे अपने आम दुश्मन खूंखार करमाली परिवार के सदस्यों को खत्म करने के लिए तैयार हो गए। कड़वे सिपाही कपूर मासूम लेकिन निडर आमिर के लिए एक काला गुरु बन जाता है। आमिर की जिंदगी में आए बदलावों से अनजान नीता ने अपने अतीत को पीछे छोड़ने का फैसला किया है। वह अपने जीवन को फिर से संगठित करने के लिए धीरे धीरे लेकिन दर्द से शुरू होती है। इस बीच आमिर भयानक सिंह के वंबर में फिसल जाता है, निश्चित कयामत की राह। जबकि वह पहली हत्या करता है, आमिर को अपराध बोध से लगभग पागल कर देता है। धीरे धीरे से इसकी आदत हो जाती है और यहाँ तक कि उसका आनंद भी लेने लगता है। उनका युद्ध बिना किसी विजेता के युद्ध है। एक ऐसी लड़ाई जिसकी कोई महिमा नहीं है। तार्किक जीवन के झूठ के बीच कभी कभी पागलपन में नियंत्रण होने में ही सच्चाई होती है। अंत में कपूर और आमिर अपनी बहन की शादी में करमाल की ओर को घेर लेते हैं। जैसे ही कपूर करमाली को गोली मारता है, उसके वरिष्ठ पुरुष ने उसकी गोली मार कर हत्या कर दी। कपूर की बाहों में मरने के बाद आमिर अपनी बंदूक उठाता है। माना जाता है कि वह वरिष्ठ लड़ाई को गोली मार देता है। आखिरी दृश्य एक बार फिर से शुरुआती अनुक्रम में लौटता है, जहाँ आमिर मौत की सजा पर अपने छोटे और मानवीय जीवन की घटनाओं पर विचार करता है। ढालना आमिर खान, आमिर हुसैन, सुप्रिया पाठक, नीता, पंकज कपूर, इंस्पेक्टर पीके,
जगदीप उस्तादी, गजानन बंगेरा इंस्पेक्टर, नैना पलसावर नैना, होमी बाड़िया, हसन करमाली, मधुकर तोराडमल, करमाली सेठ, कर्मी दल, कला निर्देशन पार्थो सेनगुप्ता। फिर से रिलीज इस फिल्म को भारत में सिनेमाघरों में 12 जून 2009 को 20 साल बाद डिजिटली रीमास्टर प्रिंट के साथ फिल्म निर्माताओं द्वारा पलाडोर पिक्चर्स के साथ फिर से रिलीज किया जाना था। इसके बाद तक 2009 में डीवीडी का विमोचन किया जाना था। निर्धारित पुनर्विमोचन अंततः कुछ अज्ञात कारणों से नहीं हुआ, जाहिर तौर पर क्योंकि यह इस अवधि के दौरान ही निर्माता मल्टीप्लेक्स मालिक गतिरोध के दौरान गिर गया था। पुरस्कार 36वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज कपूर, स्पेशल मेंशन फीचर फिल्म आमिर खान, सर्वश्रेष्ठ संपादन ए श्रीकर प्रसाद, 35वीं फिल्म फेयर पुरस्कार मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आमिर खान, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज कपूर, सर्वश्रेष्ठ कहानी आदित्य भट्टाचार्य।